नमस्कार, आप देख रहे हैं 2019 की 19 कहानियां और मैं हूं आपके साथ ऋषि। आज देश में लोकसभा के पांचवें चरण का चुनाव हुआ। पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनावी अखाड़े में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आज के चुनाव में देश किन बड़े नेताओं पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है, साथ ही आपको दिखाएंगे इसके कि पश्चिम बंगाल में फिर से कैसे हिंसा के बीच वोटिंग हुई है। शुरुआत आज के उन हाई प्रोफाइल नेताओं से करते हैं जिनकी जीत उनकी पार्टी के लिए साख का सवाल बना हुआ है। तो पांचवें चरण, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज नेताओं के चुनावी जंग का अंजाम जनता ने आज पोलिंग बूथ पर जाकर तय कर दिया है। जनता के फैसले को जानने के लिए 23 मई तक का इंतजार करना होगा। पांचवें चरण में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसमें अमेठी सीट से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, रायबरेली से सोनिया गांधी और लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। तो पांचवें चरण की वोटिंग में भी गर्मी के बावजूद बेहद उत्साह देखा गया। आम लोगों के साथ बड़े नेता भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान किया। केंद्रीय गृह मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने परिवार के साथ विपुलखंड 3 स्थित स्कॉलर होम में बने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। हमारे मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान के जयपुर में पत्नी गायत्री राठौड़ के साथ मतदान करने पहुंचे। राज्यवर्धन जयपुर ग्रामीण सीट से चुनाव मैदान में हैं। राठौड़ का मुकाबला ओलंपियन और कांग्रेस कैंडिडेट कृष्णा पूनिया से है। इस बार 2014 की तरह पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनने वाली है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ उनकी पत्नी और बेटे मानवादित्य सिंह राठौड़ भी मौजूद थे। बीएसपी मुखिया मायावती लखनऊ में वोट डालने पहुंची। इस बार यूपी में एसपी और बीएसपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के बाद मायावती ने गठबंधन की जीत का भरोसा जताया और देश हित में लोगों से वोट डालने की अपील की। चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, जिनको भी जिनका भी वोट है उनको वोट डालने के लिए समय से जरूर पहुंचना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने हजारीबाग में अपना वोट डाला। यशवंत सिन्हा के साथ उनकी पत्नी नीलिमा सिन्हा भी थी। दिलचस्प ये है कि हजारीबाग से केंद्रीय मंत्री और यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा चुनाव मैदान में हैं। यशवंत सिन्हा के बेटे और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री जयंत सिन्हा भी हजारीबाग में अपना वोट डालने पहुंचे। वोटिंग के बाद जयंत सिन्हा ने अपनी जीत का भरोसा जताया। उम्मीद यही है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम लोगों की कोशिश रही है पूरी चुनावी अभियान में कि हम जनता का दिल जीत लें, जनता को अपने काम और अपनी सेवा और अपनी निष्ठा से विश्वास दें कि अगले 5 साल भी हम ईमानदारी से उनकी सेवा करेंगे। तो यूपी के 14 सीटों के लिए हुई वोटिंग में सबसे दिलचस्प मुकाबला अमेठी में है। बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। वोटिंग के बीच अचानक राहुल गांधी के अमेठी दौरे का कार्यक्रम तय हो गया, हालांकि फिर इसे बाद में कैंसिल भी कर दिया गया। गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में इस बार बीजेपी की स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। राहुल गांधी अमेठी में चौथी बार जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। अमेठी कांग्रेस का गढ़ है और राहुल गांधी 3 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2014 में मोदी लहर के दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में चुनौती दी और स्मृति ईरानी को 3 लाख से अधिक वोट मिले। 2014 लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी ने अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1,07,000 वोटों से हराया था। राहुल की ये जीत 2009 के मुकाबले बेहद छोटी थी। 2009 में राहुल 3,70,000 वोटों के अंतर से जीते थे। स्मृति ईरानी इस बार फिर चुनावी मैदान में है और मुकाबला इतना कड़ा है कि राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती के बीच पांचवें चरण के चुनाव में भी हिंसा की कई खबरें सामने आई। बैरकपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। हंगामे की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की हैं। बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी और दहशत फैलाने का आरोप लगाया। अर्जुन सिंह के चेहरे पर चोट के निशान भी नजर आ रहे थे। अर्जुन सिंह का आरोप है कि उन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया।
बीएसपी के लिएशन है कि हमारे एजेंट को टीएमसी के गुंडों ने मार पीट कर भगा दिया है और उनको खून करने की धमकी दी गई है, उनकी मां को भी खून करने का धमकी दिया गया है। बैरकपुर में हुए हंगामे पर बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने हंगामे की शुरुआत की। तृणमूल कांग्रेस के जो हमारे वोटर हैं उनको लेके जा रहे थे। अच्छा, और यहाँ पर हमला किया गया। ये लोग सारे तृणमूल के हैं? सारे तृणमूल कांग्रेस के हैं। उसके बाद क्या आपसे हाथापाई भी उतरे, लोग पत्थर भी फेंकने आए थे? एक आदमी ने मुरे फेंक से मार के और वहाँ भागा। टीएमसी के लोग। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के लोग मतदाताओं को बूथ पर आने से रोक रहे हैं। बीजेपी ने बैरकपुर में फिर से मतदान कराए जाने की मांग की है। ममता चुनाव हार रही है, इसलिए वोट से नहीं रिगिंग से चुनाव जीतने का उनका प्रयास है। ये लोकतंत्र की घोर अवमानना है, ये लोकतंत्र को नष्ट करने जैसा है। वो चुनाव आयोग को धमका रही है। आज बैरकपुर में सीपी को, पुलिस कमिश्नर को पहले हटाइए, ये एक सप्ताह पहले हमने वहां भी और यहां भी मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने तबादला नहीं किया। और पश्चिम बंगाल के हुगली में ईवीएम खराब होने की वजह से हंगामा हो गया। यहां भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बूथ कब्जा करने का आरोप लगा। हुगली के धोने खाली में 211 नंबर बूथ के बीजेपी एजेंट को अपहरण करने का भी आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक टीएमसी के गुंडों ने कुछ लोगों को वोट करने से रोका भी। और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के महापर्व में खलल डालने के लिए आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग समेत 2 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसके साथ ही अनंतनाग सीट पर मतदान पूरा हो गया। सुरक्षा के लिए सीट पर 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अनंतनाग सीट पर मतदान में खलल डालने की आतंकियों ने नाकाम कोशिश की है। पुलवामा में पोलिंग के दौरान आतंकियों ने मतदान केंद्र पर ग्रेनेड फेंका। आतंकियों के इस ग्रेनेड हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये स्पॉट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्पॉट बन गया है नेशनल हाईवे पे, क्योंकि यहाँ पर 40 जवान शहीद हुए थे और आज यही क्षेत्र जो है चुनाव के लिए गया है, यहाँ मतदान हो रहा है। लेकिन पोलिंग परसेंटेज अगर हम इस जगह की बात करें तो 0.39 के करीब बताई जा रही है। यहाँ पोलिंग परसेंटेज माना जा रहा है बहुत कम रहेगा, क्योंकि खौफ और दहशत जो 14 फरवरी को पैदा हुआ था वो आज भी यहाँ मौजूद है। जम्मू कश्मीर में इस लोकसभा चुनाव के दौरान किसी मतदान केंद्र पर आतंकवादी हमले की कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। ग्रेनेड फेंकने के बाद आतंकी भागने में कामयाब रहे और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। कुछ ही देर बाद वोटर्स फिर से पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। इसके अलावा त्राल में भी पेट्रोल बम फेंक कर वोटर्स को डराने की कोशिश की गई। चक्रवाती तूफान फोनी पर सियासत करने वाली ममता बैनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रहार किया। फोनी तूफान ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद पीएम ने हालात जानने के लिए ममता बैनर्जी को फोन किया था। क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको। फोनी तूफान की विनाश लीला पर सियासत करने वाली दीदी पर आज पीएम मोदी ने तूफानी प्रहार किया। पश्चिम बंगाल के तामलुक और झारग्राम में रैली में पीएम ने कहा कि ममता के लिए लोगों की मदद से ज्यादा जरूरी राजनीति है। हमारे पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी, ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस चक्रवात पर भी राजनीति करने की भरपूर कोशिश की। फोनी तूफान के वक्त पीएम मोदी ने एक नहीं, दो दो बार ममता बैनर्जी को फोन मिलाया, लेकिन दीदी ने एक बार भी मोदी का जवाब नहीं दिया। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया। मैं आज सुबह भी यहां के प्रशासन के साथ बैठ करके चीजें समझना चाहता था, भारत सरकार क्या मदद करे उसकी जानकारी लेना चाहता था, लेकिन अहंकार से भरी ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने उसको भी मना कर दिया। ममता बैनर्जी के जय श्री राम के नारे पर भड़कने को लेकर भी पीएम मोदी ने ममता बैनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या?
अरे दीदी, राम जी के आगे अच्छे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। पीएम मोदी के आरोपों पर ममता बनर्जी ने सफाई दी है। ममता बनर्जी ने बताया कि वो खड़गपुर में थी और इसीलिए फोन नहीं उठा पाई। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें केंद्र की भीख नहीं चाहिए। ममता ने पीएम को एक्सपायरी पीएम बताते हुए समीक्षा बैठक बुलाने पर भी सवाल उठाए। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की करते हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप खारिज हो गया है। आंतरिक जांच पैनल ने रंजन गोगोई को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। इस जांच में कुछ वकीलों पर मानहानि की साजिश रचने का दावा भी किया गया है। आपको बता दें कि एक महिला ने सीजीआई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं। रहिए आप हमारे साथ। इलेक्शन में जनता के सर पे क्या है? देखिए